गाइस ये देखिए कि हम अटांग मार्ग पहुंच गए हैं वापसी में और हम यहाँ पे Yes guys, we are on Papaswari and we are in Gondola. अभी हम लोग यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर करेंगे अच्छी चीज़ें और यहाँ पे टूरिस्ट लोग ट्रैवल करते हुए और कहाँ से आए हैं हम लोग? यहाँ से आए जो हम लोग राइड किए हैं कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। कब गए थे आप लोग? अभी दो घंटे पहले। दो घंटे पहले गए थे? दो घंटे वहीं अंदर ऊपर गए थे। ऊपर क्या है? ऊपर में आपका बर्फ जमा हुआ है। वो सब देख के आ गए आप लोग? और उसमें स्पोर्ट्स खेल भी सकते हैं क्या? इस गड्ढे हल्का बर्फ है, बर्फ तो है ही नहीं अभी। अंकल जी थोड़ा सा है बर्फ। ऊपर गए थे, ऊपर गए थे नदी के पास। नदी के पास ठंडी बर्फ, मतलब पूरा छुए हाथ से। हाँ, हाथ से छुए। वो स्लाइडिंग भी करा रहे थे, 800 रुपये ले रहे थे। सबसे ऊपर जो तिरपाल बांधा हुआ है ना, पीला वाला। तो आप लोग कब से आ रहे थे यहाँ? क्या आप लोग आ कब से रखे यहाँ? हम लोग आए हुए हो गए 4। इसलिए इतना बड़ा है भाई कि खाने में 2 घंटे लगेगा। और बट मुस्तफी बोल रहा है कि इसको मैं 5 मिनट में खा सकता हूँ। अरे लेकिन मुझे लगता नहीं कि खा पाएगा। ये इंडिया में कोई भी ब्लॉगर मेरे जैसा ब्लॉग बना ही नहीं सकता जो फर्स्ट टाइम जे एंड के विजिट करेगा। उसको पहली बार तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाना है। खाली वो वहीं जा पाएगा जहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग जाता है। बट मैं आप लोग को अंदर का इनसाइट्स दे रहा हूँ गाइस। Yes guys, we are on Papaswari and we are in Gondola. अभी हम लोग यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर करेंगे अच्छी चीज़ें और यहाँ पे टूरिस्ट लोग ट्रैवल करते हुए और वी आर ऑन Papaswari। सो गाइज लेट्स चेक आउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। तो अभी ब्लॉग बन रहा है गाइज। Papaswari इज यूट्यूब चैनल नेम। तो एंट्री एंट्री वी आर ऑन Papaswari। तो Gondola में आ चुके हैं अपन और यहाँ पे लोग स्कूल के बच्चे भी घूमने आ रखे हैं और बात करते हैं, देखते हैं कुछ बात करता है कोई। तो दी से टिकट जो नहीं क्या? चल यहाँ से दिखा रहा हूँ, आ जा। ये वेटिंग हॉल है। कौन वेट कर सकता? कोई भी टिकट ले रहे हैं वो यहाँ पे वेट करते हैं। और ये है पार्क, इसमें लोग बैठ के लेफ्ट माउंटेन के ऊपर ले जाएगा। अभी 4 बजे हो गए।
एक्चुअली पापा सॉरी मेरा ब्लॉग दिल्ली से आए थे अंकल जी तो गाइस ब्लॉग बनाता हूँ पापा सॉरी आप लोग का एक्सपीरियंस शेयर कर दो इस पर हम लोग ले नहीं पाए टिकट तो आप लोग कहाँ से आए हैं हम लोग बिहार से आए बिहार नाम से बक्सर से आए आप भी सेम डिस्ट्रिक्ट तो आपको ये जो राइड की इधर आ जाइए ये जो आप लोग राइड किए हैं कैसा लगा बहुत मज़ा आया कब गए थे आपको अभी दो घंटे पहले गए थे दो घंटे वहीं अंदर ऊपर गटा ऊपर क्या है ऊपर में आपका बर्फ जमा हुआ है बर्फ़ जमा हुआ है वो सब देख के आ गए आप लोग और उसमें स्पोर्ट्स खेल भी सकते हैं क्या इस गटे हल्का बर्फ है बर्फ तो है ही नहीं थोड़ा सा है बर्फ ऊपर गए ऊपर गए थे नदी के पास ठंडी बर्फ मतलब पूरा पूरे हाथ से हाथ से छुए वो स्लाइडिंग भी करा रहे थे 8 फुट कुछ ऊपर जो तिरपाल बांधा हुआ है ना पीला वाला तो आप लोग कब से आ रखे हैं यहाँ आप लोग आ कब से रखे हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हो गए 4 दिन बक्सर जी आप लोग फैमिली के साथ आ रखे नहीं नहीं हम फ्रेंडशिप कौन से नाम से पापा सॉरी यस ओके भाई बेस्ट ये वाला वीडियो में डालूँगा ओके जो बात किए ना अपन तो वो सब डालेंगे ओके तो यही है गाइस आप लोग आपकी वीडियो डालूँगा थैंक यू तो गाइस यही हम लोग गंडोला में थे और हम लोग ने एक इंटरेक्ट किया ग्रुप से यही है गाइस भाई टिकट अगर दे सकता है वो भाई दे सकता है उससे पूछ कौन भाई बोल कि मैं ऐसे पेमेंट कर दूंगा हाँ जब नहीं मना कर दिया क्या बोल रहा है क्या ही बोलेगा बोला नहीं हो पाएगा ऑनलाइन हम लोग आने से पहले ही कर लेते हैं हाँ तब हो जाता है चलते हैं फिर तो गाय जाइए गोंडोला में एक कौन सा ट्रैवल है गंडोला बढ़िया क्या खा ले रहा भाई यही था गाइस ब्लॉग पापा सॉरी पे गंडोला का मिस कर गए राइड को तो गाइस पापा सॉरी इज द यूट्यूब चैनल नेम वी आर मेकिंग ब्लॉग्स ऑन पापा सॉरी सो गाइस वी विल अपडेट तो गुलमर्ग का जन्नत मैंने आप लोग को दिखा दिया है पापा सॉरी पे और यही है गाइस गुलमर्ग गंडोला सोवनर शॉप एंड आप देख सकते हैं यही सब हम लोग मिस कर दिए जस्ट बिकॉज डाल लेक तो भाई यही था सो गाइस यही बता रहा हूँ मैं आप लोग को अगर आप लोग यहाँ पे गुलमर्ग में नहीं आते हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे तो यही है गाइस आप लोग को एक बार यहाँ आना चाहिए और ये जो जन्नत है यहाँ का सो गाइस तू जब गाइस खाइबर रिजॉर्ट में हम लोग रुकेंगे आज रात को तो वही गाइस आप लोग को और बाहर से दिखा देंगे क्या होगा ये काफ़ी 5-star होटल है यहाँ पे 4-star यही गाइस आप लोग यहाँ पे रुकेंगे रात को आज
जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? अभी पे तो guys, we are on Papa Sorry and we are enjoying this vlog right now. Guys, we are on Papa Sorry. बिल्कुल वैसा ही है, हाँ बिल्कुल कर्वी रास्ता है और ये देखिए कि हम अटंगमग पहुंच गए हैं वापसी में और हम यहाँ पे थोड़ा चाय पानी का कुछ देख रहे हैं तो कुछ खाएंगे। हरी जो है मैगी खाएगा और समीर भाई जो है चाय और ऑमलेट खाएंगे और हम इस छोटे से रेस्टोरेंट में हैं अभी। बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है और यहाँ ये आपका स्कूलिंग यही हुआ है मुस्तफ़ी? हाँ हाँ बिल्कुल। और स्कूलिंग ये देखो कि कितनी बारिश हो रही है बाहर से, इतनी बारिश हो रही है, दो बूंद दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं नहीं बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अभी हमारे बारिश का कोई भरोसा नहीं कब तेज़ हो जाए, तो हमें लगता है कि जल्दी से खाना खा के अपना निकलना चाहिए। यस गाइस, गद्दर 3 का स्टार्ट इसी पार्क से किया जाएगा, गद्दर 2 सीमा हैदर बन चुका है तो यही है। ये शायद मस्जिद है और ये देखो लंदन स्ट्रीट गाइस, लंदन स्ट्रीट गाइस देख रहे हो भाई। जे एन के अजूबा जगह है भाई, काफ़ी यूनिक प्लेस है। जो नहीं आया हो जे एन के वो ख़त्म है उसका लाइफ। सॉरी से क्लियर मैसेज है, आपको एक बार जे एन के आना ही चाहिए। खासकर मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा यहाँ पे, उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा पापा सॉरी की तरफ से। गाइस आप लोग एक्सप्लोर कीजिए इस प्लेस को राइट। तो गाइस ये देखो लंदन स्ट्रीट दिखा रहा हूँ आपको,
तो ये यहाँ का लंदन स्ट्रीट है, ठीक है गाइस, यही था, यही है गाइस, यहाँ पे भाई लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के भाई, खाना पीना फ्री है यहाँ पे सब कुछ। Yes guys, we are going to Mumbai tour, right? जानना चाहते हो कश्मीर में तो यहाँ आके जानना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा जानने के लिए कश्मीर। ये ब्लॉगर हूँ मैं तो, आपका शॉप है ये? जी सर, सर का शॉप है। अच्छा, यहाँ क्या क्या मिलता है? ऑल ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल जो भी आप चाहो, कश्मीर का सारे फेमस रोड से देखे बादाम, काफ़ी यूनिक थिंग लग रहा है यार। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ड्राई फ्रूट्स के लिए कश्मीर काफ़ी फेमस है गाइस। तो ये रॉयल रॉयल वाले शॉप में आ रखे अपन, तो गाइस यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा शॉप है, भैया ने काफ़ी वो किया हुआ है। तो गाइस मैं यही तो बता रहा था आप लोग को, जो पापा सॉरी आपको दिखाएगा जे एन के का जो ब्लॉग बना रहे हैं वो काफ़ी यूनिक रहने वाला है। ये ऐसा आइसक्रीम तो मैं आई दिल्ली में मैंने कभी खाया नहीं, और समीर भाई और पापा सॉरी खा रहे हैं आइसक्रीम को, ठीक है। और ये आ गया मेरा दोस्त, इसको भी रहा नहीं गया तो ये भी शुरू हो गया, बूफे है बूफे। तो देख भाई कितना लगाया आज यार, भाई लग इतना है प्लीज बेटा। तो गाइज मैंने बोला था ना आप लोग को कि यूनिक थिंग दिखाऊंगा आप लोग को, अरे भाई इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, कुछ भी का मतलब कुछ भी छोड़ सकता हूँ, इवन माई अपोजेंट। तो वही है गुलमर्ग का ये जो फिनिशिंग राउंड है, उस समय मैं ये सोच रहा हूँ कि वो आर्मी वाले थे तो मेरे छोटे से कैमरे को कैसे पहचान लिया भाई, नजर रखते हैं भाई, इसका मतलब लोग का चौकन्ना रहता है गाड़ी पे भी। जो भी बंदा बिना कश्मीर विजिट किए कोई कुछ बोल रहा है तो भाई उसको कोई नॉलेज नहीं, ठीक है, एक बार कश्मीर आके ही पता लगेगा क्या है कश्मीर।
तो गाइस अभी आइसक्रीम अपने पास क्या नाम है इसका सॉफ्टी ये टी क्यों बोलते हैं इसको सॉफ्टी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है और कोन में होती है और हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी और वनीला मिक्स तीसरा इतना बड़ा है भाई कि खाने में 2 घंटे लगेगा और बट मुस्तफी बोल रहा है कि इसको मैं 5 मिनट में खा सकता हूँ अरे लेकिन मुझे लगता नहीं कि खा पाएगा ये कितनी देर में खा सकता है यार एटलीस्ट 30 मिनट लगेंगे इस खाने में अच्छा तब तो ठीक है जब यहाँ का नेटिव हो के 30 मिनट में खा रहा है तो मैं तो आउटसाइडर हूँ तो मैं 1.5 घंटे में तो खा ही सकता हूँ तो मैंने वही बोला था गाइस तुम लोग को पापा सॉरी जैसा ब्लॉगर इंडिया में ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा क्योंकि तो पापा सॉरी का एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भाई देखो फर्स्ट टाइम आया मैं जेन के और इतना अच्छा ब्लॉग बना दिया समझे कोई इंडिया में कोई भी ब्लॉगर मेरे जैसा ब्लॉग बना ही नहीं सकता जो फर्स्ट टाइम जेन के विजिट करेगा उसको पहली बार तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ जाना है खाली वो वहीं जा पाएगा जहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग जाता है बट मैं आप लोग को अंदर का इंसाइट्स दे रहा हूँ गाइस और नो मैं ऐसे नहीं बोल रहा ब्लॉग बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस किया वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को समझे कि नहीं ओके गाइस